40,000 रुपये में इजीली आप इस गाड़ी को प्रोवाइड करवा देंगे आपको इजी। एडवेंचर बाइक बोलते हैं सर इसको, एडवेंचर पहाड़ों पे चलने वाली बाइक के लिए कोई ना कोई डिस्काउंट या कोई बिना कोई गिफ्ट हैम्पर हम अपनी तरफ से जरूर करवाएंगे। इसमें 2 लीटर तेल है, यदि 4 लीटर है, 6 लीटर है या जितना भी आपकी गाड़ी के अंदर तेल है तो आपको बताएगा रेंज, इट मीन्स कि आपकी गाड़ी अभी कितने किलोमीटर और चल सकती है। सर जो बाइक है हमारी स्पोर्ट्स बाइक है सर, ये लगाए हुए हैं और नकल के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टाइलिश इंडिकेटर लगाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों इस बार भाई होंडा ने चुपके से लॉन्च कर दी है अपनी एक और नई बाइक। जी हाँ दोस्तों, जिस बाइक का जो है मैं जिक्र कर रहा हूँ ये है भाई CV200X। जी हाँ दोस्तों, CV200X को होंडा ने बड़े ही आराम से और मार्केट से बचाते हुए भाई लॉन्च कर दिया है, और जो कि आप देख पाएंगे एकदम से स्टाइलिश लुक में जो है ये आने वाली है। और ये जो बाइक है इसको कहा जा रहा है कि भाई ये एक एडवेंचर बाइक है। जी हाँ भाई, इसके टायर साइज काफ़ी बड़ा है। जो लोग कहते थे ना कि भाई होंडा में कोई बाइक तगड़ी नहीं आ रही है, टायर साइज उनको जो है कम मिलता था, लेकिन इस बार जो है टायर साइज सबसे हैवी रहने वाला है। और हाँ, इसमें फीचर्स जो हैं दबा के फीचर्स मिलेंगे, और जितने भी फीचर्स हैं होंडा के एग्जीक्यूटिव हैं हमारे साथ में अमित जी, साथ ही साथ में विकास जी भी हैं और बताएंगे आपको कि भाई इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरे सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ संदीप जी के इस ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं सभी हमारे व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, एक बार फिर से इसी बात को कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं संदीप जी इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी टू व्हीलर से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू। अब बात करते हैं हमारे, देखिए होंडा के सेगमेंट पे, जैसे कि हमारे संदीप जी ने पहले भी आपको होंडा शाइन के बारे में, SV के बारे में, एक्टिवा के बारे में, हर एक प्रोडक्ट की फ़ीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में हर चीज़ की नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज CV200X की। देखिए दोस्तों, मार्केट में ऐसे तो कई सारी स्पोर्ट्स बाइक आई हैं, लेकिन इस बाइक की लुक एक अलग ही डिफरेंट लुक में निकाली है। देखिए सबसे अच्छी जो चीज़ है इसका, देख सकते हैं आप स्टार्टिंग से लेकर इसका और ग्रैब रेल तक बिल्कुल स्पोर्टी लुक में निकाली गई है। और देखिए ये 110/70 इसका टायर का साइज़ है, 17 इंच का ठीक है ना। ABS टेक्नोलॉजी आती है इसके अंदर, डिस्क ब्रेकिंग कहते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम। अच्छा ठीक है संदीप जी। जी और कलर आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में है, स्टाइलिश लुक के अंदर है। स्टाइलिश के अंदर मैं नहीं मानता कि कंपनी ने कहीं भी किसी चीज़ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। जी सर, तो स्टाइलिश में कभी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी छोड़ी गई है। अब हम हमारे व्यूवर्स को जरा इसकी फ्रंट लुक दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं एक अलग ही लुक लग रहा है, एक अलग ही लुक लगाई है संदीप जी। हम इसे बोल सकते हैं एक एडवेंचर बाइक है। जैसे हमारे जो कई व्यूवर्स हैं वो कहते हैं सर हमें एक वैसी बाइक चाहिए जो हम लाएँ लॉन्ग रूट पर जाएँ, पहाड़ी एरिया की मतलब कि हमारा गाड़ी हो, तो ये हमारे उन सभी दर्शकों के लिए CV200X का जो सेगमेंट निकाला है ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है ठीक है। और आप देख सकते हैं, और संदीप जी ये देख सकते हैं आप, देखिए कि स्टेयरिंग के पास जो है नकल लगाया हुआ है, ये इस वजह से लगाया, जैसे कई बार क्या होता है हवा की काट होती है ना, तो उसके लिए इस पे नकल ये लगाए हुए हैं। और नकल के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टाइलिश इंडिकेटर लगाए हुए हैं इस साइड, तो LED में होंगे ना सर, LED में इंडिकेटर हैं। हाँ जी, तो एक साइड नहीं दोनों साइड इसके नकल दिए हैं और दोनों ही साइड इंडिकेटर्स दे रखे हैं ठीक है। अब हम बात करते हैं संदीप जी इसके मीटर की ठीक है, तो हम हमारे सभी दर्शकों को एक बार चाहेंगे हम संदीप जी के एक मीटर दिखाएं। देखिए एलॉयड डिजिटल मीटर आता है इसके अंदर, जिसके अंदर सारी चीज़ आपको शो करती है। यहाँ पे साइड इंडिकेटर शो करेगा, ABS शो करेगा, न्यूट्रल शो करेगा, यदि आपकी बैटरी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आपकी बैटरी से रिलेटेड इशू भी इसमें क्रिएट होगा। आपको रेंज बताएगा ये ठीक है कि आपकी गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी में 2 लीटर तेल है, यदि 4 लीटर है, 6 लीटर है या जितना भी आपकी गाड़ी के अंदर तेल है, तो आपको बताएगा रेंज, इट मीन्स कि आपकी गाड़ी अभी कितने किलोमीटर और चल सकती है ठीक है ना। तो आपको रेंज के साथ साथ ये रेंज भी बताएगा जी ठीक है। तो और हाँ, ट्रिप वगैरह भी है इसके अंदर, ट्रिप भी आती है, आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है जी। आप उसे भी सेट करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ इस ट्रिप पे हमारी गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है। गियर फर्स्ट गियर में। हाँ जी हाँ जी। दूसरा देखिए, आपको गियर भी बताएगा, 5 गियर्स के अंदर ये गाड़ी आती है। अभी फर्स्ट गियर में मैं अब दिखाना चाहूँगा, देखिए कि अभी ये हम इसे न्यूट्रल करते हैं तो ये गाड़ी न्यूट्रल में आ जाती है। तो गियर इंडिकेशंस होता है जिससे कि आपको पता चलता रहता है कि हाँ अभी हमारी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है। अच्छा अब हम बात करें, थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं तो देखिए, आप संदीप जी हम बात करते हैं, देखिए इसकी सीट की
तो इसमें स्प्लिट सीट दी हुई है जी, ये तो स्प्लिट सीट है। हाँ हाँ, जैसे कि इसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन के हिसाब से जो जो सीट है जी उसको भी जो है मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। और हमें अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो CB200 है 200cc के अंदर है, एरोडायनेमिक स्पेस दिया हुआ है, देखिए जी जी, ये बेजिंग जो है 3D में मिल रही है, 3D ग्राफिक्स मिलेंगे आपको इसके अंदर टोटली सारे। और ये जो लुक है ना सर, ये देखने में ना एकदम क्लासिक लुक लगता है देखने जी, जी, में। और हालांकि पहली बार जैसी मैं इस बाइक को देख रहा हूँ ना, जी, बाकी जी, इसको देखते ही प्यार हो जा रहा है कि भाई बाइक है जी, देखने जी, में जो कि शानदार लग रही है, शानदार लग रही है। और भाई होंडा की ना मैं इस बार तारीफ जरूर करूंगा, क्योंकि भाई होंडा ने एक मस्त जो है मॉडल निकाला है, और ये मुझे लगता है कि लोगों को जो है ज्यादा पसंद भी आने वाला है। जी जी बिल्कुल संदीप जी, देखिए उसकी वजह यह है, होंडा ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ बाइक निकाली है। अच्छा, एक होता है अट्रैक्टिव लुक, एक होता है अट्रैक्टिव फीचर्स जी। तो जिस तरह से गाड़ी की लुक है सेम ही उसी तरह से गाड़ी के कंपनी ने फीचर्स भी प्रोवाइड किया है। वो हम बताना चाहेंगे, इसमें जो बैक ब्रेकिंग दिया हुआ है इसमें रोडल पैडल ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है इसके अंदर। आगे भी यही मिलने वाले हैं जी 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 जी, आगे भी आप देख सकते हैं, आगे भी आपको ये दिए गए हैं, ठीक है। USD शोकर दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है, अप्स एंड डाउन में बिल्कुल कंफर्टेबल शोकर रहते हैं ये। अब पीछे हम देखें, पीछे भी शोकर एक बार देख लेते हैं। हाँ, पीछे भी हम दिखा देते हैं, पीछे सिंगल शोकर है इसका, मोनो शोकर दिया हुआ है पीछे जो है इसके कंपनी ने, इसमें मोनो शोकर दिया गया पीछे की साइड। अच्छा, बात करें हम इसकी देख लें ग्रैब रेल की, हाँ जी, तो मजबूत ग्रैब रेल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गाड़ी भारी है तो ग्रैब रेल हल्की दी हुई है। कई बार क्या होता है, हम जैसे गाड़ी को हल्की ग्रैब रेल से क्या होता है, हम जैसे गाड़ी को कई बार साइड से उठाते हैं तो ग्रैब रेल हाथ में आता है। तो हर चीज़ को देख के कंपनी ने हर एडवांस चीज़ दी हुई है, ठीक है। फ्लेक्सिबल सिंडिकेटर होते हैं इनके, जो ईजीली इतने टूटते नहीं हैं, ठीक है। LED लाइट के अंदर आती है फ्रंट भी और इसकी बैक भी। सर, पीछे वाला जो टायर है ना काफ़ी वाइडर लग रहा है, जी 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 जी, देख लेते हैं कि भाई कितना वाइडर है। जी 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 जी, आप देख सकते हैं संदीप जी, हमारे सभी दर्शकों को आप दिखाएं एक बार टायर्स का। जी सर, तो पीछे की संदीप जी हम टायर की बात करें तो ये 140/70 है जी, ठीक है ना जी जी। MRF के टायर आए हैं कंपनी में। हाँ जी, और एक बात मैं और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, कई दर्शक हमसे ये भी पूछते हैं कि सर ये इसके अंदर जो है चैन कवर क्यों नहीं आ दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो एक बार मैं दिखाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। असल में संदीप जी होता क्या है, चैन कवर जो भी 160 170 180 में, उन सभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि सर ये चैन कवर ना देने का कारण क्या होता है। तो मैं उन सभी हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, असल में संदीप जी जितनी भी हमारी ये 160 180 या 200cc की बाइक्स होती हैं, उनमें ब्रेक्स चैन कवर ना देने का मेन रीज़न्स यही होता है कि आप जो है स्मूथ राइड कर सकें, बिकॉज उस पे वो स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता है चैन कवर। अच्छा समझ लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एक होंडा की जो बाइक होंडा ने लॉन्च की है, जिसका नाम है CB200X, जो आप देख रहे हैं सर जी, जी। ये जो पूरी गाड़ी है ना सर, जो बाइक है हमारी स्पोर्ट्स बाइक है सर, प्रॉपर स्टॉक स्पोर्ट्स बाइक, एडवेंचर बाइक बोलते हैं सर इसको, एडवेंचर पहाड़ों पे चलने वाली बाइक, ये सर इंडिया के अंदर लॉन्च की है। अच्छा, 200 के अंदर CC के अंदर, अदरवाइज इसका सर 1250 CC का भी मॉडल इंडिया के बाहर है। अच्छा, जिसके अप्रोक्सीमेटली सर एवरेज आपको मिल जाएगा इसका 50 से 55। अच्छा, 50-55, बिल्कुल देगी सर 50 से 55, क्योंकि PGMFI सर है इसके अंदर। अच्छा, OBD2 के अंदर सर बाइक लॉन्च की है जी, जो नया वेरिएंट आया ऑन बोर्ड डायनोस। फ्यूल टैंक की बात करी जाए, फ्यूल टैंक सर 14.5 लीटर का है सर, स्टाइलिश फ्यूल टैंक है सर, और फ्यूल टैंक पर आप सर मस्कुलर बिल्कुल फ्यूल टैंक दिया हुआ है सर जी। इसको बोलते हैं सर एडवेंचर बाइक। देखो इसका सर लुकिंग देखें आप, इसके सर यहाँ पे इंडिकेटर सर देखो हैजार्ड दिया हुआ है इसके अंदर जी, एक बार ऑन आप इसको ऑन करेंगे तो हैजार्ड भी ये नहीं है कि सर देखो इसका एक सेफ्टी दिया हुआ है सर, इसको बोलते हैं सर सेफ्टी नकल, हाँ नकल कवर दिया हुआ सर, इसको नकल बोलते हैं। ये एक तरह से एडवेंचर बाइक के अंदर ही आपको मिलता है जी। ये LEDs हैं सर, ये टेल लैंप, ये सर LED के अंदर है, स्टाइलिश देखो सर किस तरह से खूबसूरत, यानी स्टाइलिश एक लुकेबल एक लुक दे रखी है अलग ही सर, एक जी होंडा ने अलग ही लुक दिया है सर। और इसमें सर ये पासिंग है, पासिंग दिया हुआ है, और ACG मोटर सर इसमें लगाया गया है जी।
ये किल स्विच बोलते हैं सर इसको। किल स्विच भी ये बड़ी गाड़ियों में आता है सर। किल स्विच है आप इसको हजार्ड का यहाँ से हजार्ड का यहाँ से दिया है सर। किल स्विच ये है पूरा LCD क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है दिया हुआ है। टैंक पे चाबी है। अच्छा चाबी यहाँ पे चाबी पर सर एक मस्कुलर लुक है सर इसका एक जी जिससे कि टैंक पे चाबी है सर इसका। ये टैंक पे चाबी दी गई बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक में इसी तरह का होता है। और सबसे सर बड़ी बात देखी जाए तो USD सॉकर्स। अच्छा इसके अंदर भी सर हमने होंडा ने सर USD सॉकर्स दिए हुए हैं अप एंड डाउन। USD शॉकर का मतलब यही होता है सर आगे और नीचे चलते ऊपर नीचे चलते हैं सर ये शॉकर्स जी जिससे कि बाइक को कंफर्टेबल और स्टेबिलिटी बनी रहती है जी। ये काउल ये सर अंडल काउल दिया हुआ है। अच्छा जिससे कि इसकी धूल मिट्टी अंदर इंजन के अंदर ना जाए। ये साइड स्टैंड कट ऑफ भी सर दिया हुआ है सेंसर। अच्छा, वही जो हर गाड़ियों में सर है हमारी जी। और अच्छा, इसकी गियर की शिफ्टिंग कैसी है अभी सर? पहला नीचे है। अच्छा इसमें 5 गियर हैं सर। पहला नीचे है और सारे ऊपर है। और इसके अंदर सर सबसे अच्छी बात है सर सील चैन दिया हुआ है सर। अच्छा, हमारी हर गाड़ी में सर सील चैन आ रहा है जी जो सर कम घिसती है, ऑयलिंग कम छोड़ती है, ऑयल कम छोड़ती है और लूज नहीं होती है सर। ये होता है सर सील चैन लूज नहीं होगी सर ये, और ऑयलिंग भी नहीं देगी। अच्छा और इसके सर स्टाइलिश LED लाइट जी पीछे देखो सर लैंप कितना स्टाइलिश दिया हुआ है इसके अंदर। बिल्कुल LEDs जल रही हैं सर ये जी आपको इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है सर LED। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से देखेंगे सर पीछे से इसका स्टाइलिश मफलर दिया हुआ है सर स्पोर्ट्स बाइक की तरह। बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक पे इसी तरह का मफलर आता है छोटा मफलर सर साइलेंसर आता है। रोटर पैडल ब्रोड टायर है सर। ग्रिपिंग देखें सर कितनी इसकी डीप हुआ है सर जी सबसे डीप ग्रिपिंग है सर। ब्रॉड टायर है सर इसके अंदर जी। रोटर पैडल डिस्क ब्रेक दिया हुआ है सर ये रोटर पैडल डिस्क ब्रेक है। और आगे भी सर रोटर पैडल ये ABS के साथ दिया हुआ है। इसका एग्जॉस्ट देख लेते हैं कि किस टाइप का इसका एग्जॉस्ट दिया गया है इसमें। एग्जॉस्ट देखें आवाज हम सुनवा देते हैं साउंड इसके जी। दूसरे आदमी को भी परेशान करे इस तरह का साउंड होंडा की गाड़ियों में नहीं आता है सर। और इसमें सीट भी सर स्प्लिट दी हुई है जी। स्प्लिट सीट स्पोर्ट्स बाइक में होती है सर। तो मैं अभी सभी अपने दर्शकों को एक बार फिर से गाड़ी का ओवरऑल पूरा लुक दिखवाना चाहता हूं। संदीप जी मैं चाहता हूं कि आप सभी दर्शकों को एक बार ओवरऑल फ्रंट से लेके बैक तक का पूरा लुक दिखाएं बिकॉज एक बहुत खूबसूरत बाइक होंडा ने प्रोवाइड करवाई है। तो लेकिन रेट में तो एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ हाँ रेट में देखिए मैं आपको बताता हूँ अगर प्राइस की इसकी बात करी जाए तो मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए जो इसके प्राइस हैं ऑन रोड ये पड़ती है आपको 181,000 रुपये की ठीक है। लेकिन हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो हमसे जानने के इच्छुक रहते हैं कि विकास जी उनका कॉल आता है मेरे पास कि हम इसे फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ईजीली ठीक है। आपको एक आधार कार्ड एक पैन कार्ड 3 फ़ोटो आपकी बैंक का पासबुक ठीक है बिजली का बिल और अपना ATM कार्ड। अब हम बात करें इसके डाउन पेमेंट की तो आप 40,000 अप्रॉक्स मिनिमम डाउन पेमेंट करके भी इस गाड़ी को ले सकते हैं। कितने में लेके जा सकते हैं? हाँ 40,000 मिनिमम है आप 50 भी कर सकते हैं। देखिए वो तो एक डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर बट ये है कि मिनिमम आपको 40,000 इसके डिपॉजिट करना ही होगा डाउन पेमेंट के लिए। 40,000 में घर लेके जा सकते हैं? जा सकते हैं आप 40,000 रुपये में इजीली आप इस गाड़ी को प्रोवाइड करवा देंगे आपको इजीली आप इसे परचेज कर सकते हैं विद AMI के थ्रू ठीक है। तो हम एक बार अभी सारे दर्शकों को चाहेंगे कि एक बार आप फिर से देखें कि CB200X जो कि ब्लैक कलर में संदीप जी ने अभी आप और हमने मिलके आपको सारी गाड़ी के स्पेसिफिकेशन सारे चीज़ें आपको बताई हैं। तो और मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स और जो भी दर्शक हमारे पब्लिक गंगा TV को अगर देख के हमारे इस माध्यम से आते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई डिस्काउंट या कोई बिना कोई गिफ्ट हैम्पर हम अपनी तरफ से ज़रूर करवाएंगे। और मैं यही चाहूँगा मैं यही विनती करूँगा अपने हमारे जितने भी सभी दर्शक हैं जो पब्लिक गंगा TV को इतना प्यार देते हैं इतना लाइक देते हैं इतना सब्सक्राइब देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना प्यार और इतना मान सम्मान आप हमें लोग देते हैं। कहीं कहीं से हमारे पास कॉल आती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और मैं यही इसी दुआ के साथ
आप लोगों से आज की इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगा। बाकी आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे संदीप भाई हमेशा आपके साथ लाते हैं और हमेशा आपके साथ लाते रहेंगे। और जय हिंद।